नमस्कार, आज हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, यानी वो दो से ज्यादा टेबल्स में आते हों, उन्हें हम ऐसी सभी संख्याओं को, ऐसे सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया चार। आप देखें चार किस किस के पहाड़े में आते हैं, वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है। फैक्टर कितने हो गए, वन टू थ्री, कितने फैक्टर हो गए इसके, तीन फैक्टर हो गए। दो से ज्यादा हो गए ना बेटा, मोर देन टू, दो से ज्यादा हो गए। ऐसे सिक्स, सिक्स के कितने फैक्टर होंगे, वन टू थ्री सिक्स, इन चार टेबल्स में सिक्स आता है तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। ऐसे ही देखो एट, वन टू फोर एट, ये चार पहाड़ों में आठ आता है तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, यहां इसके चार फैक्टर हैं। ऐसे देखो नाइन, जरूरी नहीं है सारे इवन नंबर ही प्राइम हो, ठीक है। नाइन देखो ध्यान से, इसके फैक्टर वन, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जरूरी नहीं है कि सारे इवन नंबर ही कंपोजिट हो, ऑड नंबर भी कंपोजिट होते हैं। देखो कैसे, इसके फैक्टर देखो वन थ्री, तीन के पहाड़े में भी नौ आता है, नाइन, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। इसी प्रकार से दस, दस के फैक्टर एक दो पांच दस, ये चार पहाड़ों में दस आता है ना, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से देखिए मान लो पंद्रह, एक तीन पांच और पंद्रह खुद दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार के नंबर्स देखिए, यहां भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं, 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 यानी ज्यादा टेबल्स हैं जिनके पहाड़े में ये नंबर आता है। तो ऐसी सारी ही संख्याएं जिनके फैक्टर दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि ये छह दो से बड़ा है, दो से ज्यादा का मतलब जैसे एक दो तीन फैक्टर हैं, एक दो तीन चार फैक्टर हैं, एक दो तीन चार फैक्टर हैं, एक दो तीन फैक्टर हैं, ऐसे दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे तो वह संख्या कहलाएगी कंपोजिट नंबर्स, वह संख्या कहलाएगी कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के जरिए कंपोजिट नंबर्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। एक चीज इसमें और याद रखने वाली है, हमने जब प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा तो हमने बोला कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, सॉरी जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक और वो नंबर खुद। कंपोजिट में बोला जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। अब एक का क्या करें, एक के कितने फैक्टर हैं, सिर्फ एक, ये वन के ही टेबल में आएगा, वन और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो ना तो ये कंपोजिट है क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है, ना ही ये प्राइम है क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं है। प्राइम वही होते हैं जिनके दो फैक्टर हों, ठीक है। तो इससे क्या समझे, ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, इसीलिए कहा जाता है वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। इस बात को बच्चों हमेशा याद रखना कि वन इकलौता ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कई बार पूछ लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, सो वन है। बाकी सारे नंबर या प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे, सिर्फ वन एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। उम्मीद करता हूं आपको कंपोजिट नंबर्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।